महिला नेत्री के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव फिलहाल बेल पर है। 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला था। पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के महासचिव पद पर काबिज थे। उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस उस होटल के कमरे को सील भी की थी और फोरेंसिक जांच भी करवाई थी। अधिवक्ता ने जो झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय समिति की सदस्य भी थी उस वक्त, उन्होंने अपने ही दल के विधायक श्री प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज भी जांच होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुआ था। इस पर चार्ज के समय में स्पेशल कोर्ट MLA MP में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था प्रदीप यादव जी के द्वारा, जिसको कि न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसी का रिवीजन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। 17 अक्टूबर को बहस हुई, आदेश रिजर्व था। आज न्याय निर्णय आ चुका है, प्रदीप यादव जी की याचिका खारिज है। अब क्या होगा सर? अब वहाँ पे अब उनके पास दो ऑप्शन है, एक वहाँ की प्रोसीडिंग में आगे बढ़े या इस निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे। सर अभी MPMLA कोर्ट में अगर चलता है मामला कैसे चलेगा, क्या चलेगा? अभी केस चार्ज होगा जी, डिस्चार्ज पिटीशन के खिलाफ आए थे, वहाँ का जो कोर्ट है वो चार्ज होगा। चार्ज के बाद एविडेंस होगा, गवाही चलेगी, और गवाही के बाद फिर उनको डिफेंस एविडेंस का भी मौका मिलेगा, और उसके बाद बहस के बाद जजमेंट। जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया के तहत मुझे जो माननीय उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश है, एक वर्ष के अंदर ये केस को कंक्लूड करना, वो कोर्ट अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी केस का निपटारा, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केस का निपटारा। एक बड़ा झटका है विधायक को, बिल्कुल बताइए। ये बहुत बड़ा झटका है ही, अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें वो ये दोषी साबित हो जाते हैं और सजा 2 साल से अधिक हो जाती है, जिस जो धाराएं लगी है उसमें 2 साल से अधिक होने की ही संभावना है, तो 2 साल से अधिक होने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं।